डार्लिंग आई नो कि टू स्टेट्स में दो तीन ज्यादा किसेस कर लिए थे तुमने अपने मन से. यू आर एन एक्साइटेबल काइंड ऑफ गर्ल, आई नो इट. नहीं, वो बात नहीं है. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ. अरे वाह, सुपर टाइमिंग. यही मौका है, 2015. आगे सोना महंगा हो रहा है. शादी ये करने वाली है, तुम एक्साइट हो रहे हो. ये तुम्हारी उम्र नहीं है शादी करने की. तुम यू आर वेरी यंग आलिया, ये तुम्हारी उम्र नहीं है. सर, सरकार ने फिक्स कर रखी है 18 साल, उसके ऊपर एक डेढ़ साल ऊपर ही है. आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, करने वालों को. अरे तुम चुप करोगे? तुम किससे शादी करना चाहते हो आलिया? कोई एक्टर है? टेल मी. हाँ, एक्टर. आई एम सॉरी, लेकिन हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ दिस मैन, दिस कपिल? अरे क्यों, हाईवे में मैं रणदीप हुड्डा के साथ एडजस्ट हुई थी, तो कपिल तो आए. फिर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है सर? मेरी बॉडी में क्या क्लोरीन कम है? व्हाट हैपेंड मैन? You are a very jealous and racist man. ना कपिल, ऐसा मत बोलो. ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है. मेरी वजह से? हाँ, आप ही ने कहा था ना कि opposites attract. I think मुझ में और कपिल में ना सब कुछ उल्टा है. So he's my perfect match. I love you, Karan sir. Can you please remove your bottom? I want to touch your feet, sir. What? No. Hello, excuse me. Please, रोको. I mean, what are you doing to yourself, Alia? तुमने क्या सोच लिया कि तुम शादी ऐसी कर लोगी? तुम्हें पता है कि तुम कैसे लगोगी कपिल के साथ? Have you ever visualized what you look like with Kapil Sharma if you get married? No. Let me show you. Have a look. मियां बीवी लगेंगे और क्या लगेंगे? ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. आलिया ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको दूसरे तरीके से मनाना पड़ेगा. समझ गए. Emotional. What do you mean? के साथ. मैं तेनू समझावा कि ना इनके बिना लग दाजी. जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार दा. तू पप्पा तू यू माँ है मेरी, माँ है मेरी. इनफ. मैं तो समझ गया, तुम समझोगी. तुम दोनों कंपैटिबल नहीं हो. क्या नहीं हो? अरे इसको कंपैटिबल का मतलब नहीं पता, मीनिंग तुम दोनों एडजस्ट नहीं कर पाओगे कपिल. एडजस्ट होने को सर क्या होता है? आप क्यों ऐसे बार बार बातें कर रहे हो? क्या कंपैटिबल नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो? मियां बीबी में जो करना होता है वो मेरे को पता है. प्यार से रहेंगे, ऐसे खुशी से रहेंगे. ठीक है, मैं टेस्ट लूंगा जी और मैं तय करूंगा इफ यू टू आर कंपैटिबल और नॉट. ठीक है. ऑलराइट आलिया, तुम अपने कपड़े कहां से सिलवाती हो? मनीष मल्होत्रा से. और तुम? कमलजीत टेलर, साइन कोलीवाड़ा. देखा, सी द डिफरेंस. क्या फर्क है सर? तो मनीष मल्होत्रा कौन सा कैंची लेके खुद काटते होंगे, सिलवाते वो भी वहीं से ही है. ऐसा बोलने में आता है कि ही डिजाइन बाय मनीष मल्होत्रा. ओके, एनीवेज कपिल ये बताओ कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है? जो मिल जाए सर, जो भगवान. सी पॉवर्टी. और आलिया तुम्हें? मुझे थाई खाना पसंद है. सुना, आलिया को थाई पसंद है. मैंने सुना है, लेकिन मैं किसी की थाई नहीं खा सकता, मैं वेजिटेरियन. सो स्वीट. सी स्वीट में इमरती मंगा लेते. अच्छा, यू फाइंड दैट स्वीट? माय लास्ट क्वेश्चन कपिल, क्या तुम आलिया को शादी के बाद फिल्मों में काम करने दोगे या नहीं? करने दोगे का क्या मतलब? खाना कहां से खाएंगे हम? काम करेगी तो खाना खाएंगे ना. मतलब तुम शादी के बाद काम नहीं करोगे? हाँ यार, तू आलिया भट्ट से शादी करके भी मैंने काम ही करना है, तो मैं राजकुमार राव से ना कर लूं शादी, मेरे को क्या फायदा? सुन लिया, अभी शादी करोगे कपिल शर्मा से? कपिल, दिखा दिया तुमने अपनी औकात. मैं ना सिर्फ हम्प्टी शर्मा की दुल्हन हूँ. बाय. करण सर, मेरे को एक बात पूछनी आपसे. हाँ. आपने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, अभी इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, टचवुड हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है सर फर्क क्या आया है? बहुत आया, टेक्नोलॉजी बहुत सब चेंज हो गया है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट न्यू वर्ल्ड टुडे. जो पुराने डायलॉग्स होते थे. हाँ. जैसे गाने भी होते थे, मान लो एक पेड़ के इर्द गिर्द जैसे हीरोइन घूमते थे, मोर है. आपको क्या लगता है कि हमारी जो आजकल की हीरोइन है वो वैसे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. देख लो, छोटा सा टेस्ट हो जाए. टेस्ट कर लो.